हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ मीठे वाले पूड़े, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर चीनी वाले, बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि मांटू को पूड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है आटा और चीनी को मैंने घोल लिया है, तो बहुत मतलब स्मूथ सा पेस्ट बनाना है इसका, और बस बना लेते हैं। अभी क्या होता है ना, जब हम शक्कर के बनाते हैं, यानी कि जो कच्चा मीठा होता है उसके बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट बनते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा कुरकुरे से बनाने हैं तो चीनी के जो पूड़े होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं खाने में, और करारे करारे से बनते हैं। तो वो ज़्यादा नहीं बनाना है मुझे, बस अपने लिए और बांटू के लिए बनाना है, गोपाल जी को भोग भी लगाना है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, उसी वजह से ना थोड़ी सी आवाज़ भी जो है आपको अजीब सी आ रही होगी। आज ज़्यादा खराब है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज तो हालत बिल्कुल डाउन है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इवनिंग से हो रहा है क्योंकि आज ना हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत थोड़ी नासाज है, फीवर सा लग रहा है। वैसे मुझे पक्का है कि फीवर ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। और मैंने सोचा चलिए वीडियो स्टार्ट तो करना ही है, तो झटपट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने सोचा चलो भाई वीडियो स्टार्ट तो करना ही है। आज मैं बहुत ज़्यादा लाल लाल ही हो रही हूँ, बस सूंट कोई है शायद आलिए। और अभी ये आए हैं ऑफिस से, तो जैसे ही मैंने जो है गेट खोला तो मैंने क्या देखा, इनके हाथ में था एक बहुत बड़ा ही डब्बा। आप लोग भी देखिएगा, मुझे नहीं पता ये क्या, कैसे परेशान होते हुए इस डब्बे को लेकर के आ रहे थे। क्या है इसमें, क्या नहीं है, आई डोंट नो। मैं देख के एकदम ना इसको सरप्राइज हो गई कि इस डब्बे में है क्या। चलिए इन्हीं से पूछ लेते हैं क्या लेकर के आए हैं ये। क्या है इसमें? आई डोंट नो क्या आया है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। बताओ कहाँ है? अभी निकलता हूँ मैं, अभी नहीं बता, तुम खुद देख लो क्या है। चक्कू, इतने बड़े डिब्बे में क्या है भाई? कपड़े हैं तुम्हारे? इतने बड़े डिब्बे में कपड़े? तो मैं तो ना सोच ही रही थी कि इसमें क्या हो सकता है क्या हो सकता है, तो ये मुझे बोल रहे हैं कि तुम ना पहले गैस करो कि इसमें हो क्या सकता है। तो बस मैं सोच विचार कर करके कुछ तक कुछ कुछ तो कुछ बताए जा रही थी, पर फाइनली इन्होंने जो है वो डब्बा ओपन किया। तो जैसे ही इन्होंने ये डब्बा ओपन किया, इस डब्बे में क्या निकला आप लोग ही देख लीजिए। आ रहा है समझ में कुछ क्या है? जी हाँ, ये लेकर के आए हैं मेरे लिए 3 बर्नर का पिजन का है ये, और गैस चूल्हा। जी हाँ, गैस चूल्हा, जिसको लेने का मेरा एक सपना था। और देखिए, मैं अपने घर के लिए छोटी छोटी चीज़ों के मेरे सपने हैं जो मैं सोचती हूँ, देखती हूँ, बट कर नहीं पाती हूँ। और तो इन्हें पता था क्योंकि जब हम लास्ट टाइम गए थे विशाल, वहाँ भी मैं इनको देख रही थी, तो ये बोले क्या देख रही है प्रिया? मैंने कहा कुछ नहीं देख रही हूँ। तो इनको शायद तभी समझ में आ गया था कि मुझे ये लेना है, तो इन्होंने फिर ये अमेज़ोन से मंगवाया है मेरे लिए। अमेज़ोन से क्या मतलब, बहुत ज़्यादा इजीली, नहीं कहीं जाना पड़ा, नहीं कहीं देखना पड़ा, पिजन का था। और कह रहे मुझे तो सबसे ज़्यादा यही पसंद आया, तो इन्होंने मेरे लिए 3 बर्नर का गैस चूल्हा जो है वो मंगवाया है। और मैं सच में देख करके इमोशनल भी हो गई कि मतलब ये मेरी कितनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का इनको इतना वो होता है कि हाँ प्रिया को ये लेना है, प्रिया ये सोच रही थी लेने का। इनके सारे ना गिफ्ट ऐसे होते हैं, सिलवट्टा, गैस चूल्हा, अब अगली बार पता नहीं ये क्या ला करके देंगे मुझे। तो ऐसे गिफ्ट हाल ही किसी के पति किसी को देते होंगे जैसे हमारे देते हैं, बट बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। और अमेज़ोन से मंगवाया है ये, और बहुत ही जल्दी। गाइज, ये लेकर के आए हैं मेरे लिए गिफ्ट, और मतलब
तुम लेके आए दुकान से? नहीं मैं लेके नहीं आया, मैंने एक्चुअली कल ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था ये। अच्छा, और मेरे को लगा एक दो दिन तो लेता ही, दो तीन दिन तो लगते ही ऑनलाइन ऑर्डर में। मैं सामान मंगाऊंगा दो तीन दिन लगे ही लगे, हम तो और भी सामान मंगवाते हैं ऑनलाइन। तो तुमने कहां से मंगवाया? अमेज़न से मंगवाया ना, नहीं तो पहले दो तीन दिन लगते ही आने में, अमेज़न वाले भी दो दिन ले लेते हैं, मतलब मुझे ऐसा आइडिया था। लेकिन मैंने कल सुबह ही ऑर्डर करा और आज ही रिसीव हो गया, मैं खुद हैरान। अच्छा, मतलब तुमने अमेज़न से मंगवाया है? हाँ मैंने अमेज़न से मंगवाया। अच्छा, तो मैं तो क्योंकि प्रिपेयर नहीं था ना कि मुझे लेके आना पड़ेगा, और मैं अच्छा, तो अच्छा। मुझे रिसीव हो गया, फिर भैया उठा के लाया, तो इनको बता देता तो फिर सरप्राइज खत्म हो जाता। ऑटो में रख के लाया। और इसका ना मतलब इसका जो चूल्हे का भी है, हम गए थे अभी भी, मोहाली गए थे, यहाँ विशाल गए थे, तो मैं विशाल में भी मैं इनको ना देख रही थी, ये कह रहे क्या हुआ क्या कुछ लेना है, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। तो मुझे मतलब ये पर्सनली बहुत अच्छे भी लगते हैं, तो एक दो बार मैंने इनसे बोला भी है कि चूल्हा मुझे लेना है, हाँ मुझे अच्छा लगता है, पर नहीं ले पाए, मुझे नहीं पता था ये मुझे इतना बड़ा सरप्राइज देंगे। सच में जब हम कुछ चीज सोचते हैं ना, और वो हमारे बिना सोचे हम उसके लिए प्रिपेयर ही ना हो कि हाँ हमको ये चीज मिल जाएगी। देखिए मैं नहीं मानती कि किसी चीज की कीमत होती है, किसी तोहफे की कीमत होती है कि कोई आपको हीरे जवाहरात सोना ये दे, जी नहीं। जिस चीज की हमारी इच्छा है, अगर हमें इच्छा वाली चीज हमें कोई गिफ्ट कर देना, तो वो किसी हीरे से कम नहीं है, बिना बताए और अचानक, और वो भी बिना बताए और अचानक। सच में तुम्हारा तोहफा बहुत अच्छा है। थैंक यू बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा है। पिजन का है और अमेजोन से मतलब इन्होंने ऑर्डर किया था, और सच में इतनी जल्दी इनको वो भी हो गया। मैंने इसका लिंक डाल दूंगी, तुमने ऑर्डर किया होगा ना वो वाला लिंक दे, हाँ वो वाला मैं इसमें लिंक डाल दूंगी। अगर आपको भी मतलब चूल्हा लेना है, आप लेने की सोच रहे हो, तो क्यों दुकान पे धक्के खाओगे, आप भी घर अगर अपनी वाइफ को देना है या अपने घर के लिए लेना है। मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब इनका ना ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगा कि एक दिन पहले ऑर्डर करो और कल तक आपका जो सामान है वो आपके घर आ जाएगा, मतलब बहुत तो ये ज़्यादा। ये उन हस्बैंड लोगों के लिए बढ़िया है जो भूल गए हो देना। हाँ हस्बैंड लोगों के लिए भी है, और मतलब अगर कोई लेडीज भी है, कोई खरीदना चाहती है मतलब अपने हाउस वाइफ भी तो खरीदना चाहती हैं, तो अच्छे खासे मतलब पिजन का है और घर आ गया, मतलब ऑर्डर करोगे तो वो घर ही आएगा, तो काफी अच्छा लगा हमको ये गिफ्ट। तो चलिए घर लाने वाले हम हैं, वो करके जाके वो तो अगर हम यहाँ वो तो मैंने एड्रेस वहीं का दे ना, इन्हें पता लग जाता मेरे पीछे आता तो इन्हें पता लग जाता। तो एक बात और भी तो है ना, मतलब अगर हम कर देंगे तो हमारा आने जाने का किराया बचना ऑनलाइन, वैसे एक चीज है ऑनलाइन, जब से ये हुआ है ना ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं कितना सामान मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ क्योंकि कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा, बाहर जाओ ढूंढो ये नहीं वो नहीं, यहाँ घर बैठे कंबल में बैठ के आराम से ढूंढो, सर्च करो, ऑर्डर कर दो, घर दे के जाएंगे, है ना, और कोई टेंशनबाजी है भी नहीं। तो अगर आपको भी चूल्हा लेना है और गिफ्ट, मेरा तो गिफ्ट है, खैर मुझे तो कैसे शब्दों में बयां करूं, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, सच में कितना अच्छा लग रहा है जब हमें अपना मन चाहा गिफ्ट मिलता है ना, तो हम थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाते हैं। हाँ ये ऐसी चीज देंगे वो सील बट्टा चूल्हा, महिला अपना ज्यादा समय ना, बहुत ज्यादा समय आपके आपके बार कुकर या कढ़ाई फिर परात, ये चीज मतलब यही देंगे, इनके यूनिक तोहफे होते हैं। वो वाला जो सिलबट्टे वाला भी था वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया था, वो तो ऑनलाइन नहीं मिलेगा, अरे नहीं सिलबट्टा भी ऑनलाइन मिल जाएगा, ये चूल्हा भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आपको खरीदना है, आप खरीदना चाहते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका बहुत ज्यादा फास्ट सर्विस है अमेज़न, मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ अमेज़न पे ना, क्योंकि मैं बहुत सारा सामान अमेज़न से मंगवाती हूँ, सच में मतलब ट्रस्ट वर्दी ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर है। वाओ वाओ करेक्ट बोला यार पहली बार, चलो चूल्हा सेट करेंगे, हलवा बनाएंगे भी, है ना, चलो सेट करते हैं चूल्हे को। तो अभी हम लगा रहे हैं वो नए वाला चूल्हा, और इसको पुराने वाले चूल्हे को हटा देंगे, तो नीचे से रेगुलेटर बंद कर दे, थोड़ा सा सर्दियों में ना ये पाइप जाम हो ही जाता है। तो चलिए नई गैस का उद्घाटन कर लेते हैं, और बहुत मतलब बहुत छोटा सा लग रहा था ये, क्योंकि वो जो था वो ऊंचा, हमने जो है वो कर दिया है चूल्हा सेट, और इसको मैं सबसे पहले बनाऊंगी गोपाल जी के लिए प्रसाद, यानी कि बेसन का हलवा सबसे स्टार्टिंग में गोपाल जी के लिए ही बनेगा, क्योंकि न्यू है और आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते
कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, मतलब इस चीज़ को देख करके। होता है ना, जब जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं हमारे पास भी ये भी हो ये भी हो, और वो हमें अचानक से मिल जाए। मैं बार बार इसी चीज़ को बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं हूँ सच में इसे देख करके बहुत ज़्यादा ही खुश। और अच्छा है, मतलब बड़ा वो लग रहा है ना, छोटा सा यूनिक सा नया सा लग रहा है बिल्कुल लुक। वो हमारी गैस हम उसको रखेंगे। चलिए फिर सबसे पहले बना लेते हैं गोपाल जी के लिए प्रसाद, यानी कि हलवा। तो मैं ना बना रही हूँ यहाँ पर बेसन का हलवा, थोड़ा सा ही बनाऊंगी। गोपाल जी को भोग लगाना है, मांटू खा लेगी, थोड़ा बहुत ये ले लेंगे, वैसे भी थोड़ा बहुत ही खाएंगे, ये भी ज़्यादा नहीं लेंगे। तो मैंने ना इसमें देसी घी डाल दिया है, और बस 2 चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। तो इसको मैं ना बेसन को अच्छे से भून लूँगी। बेसन ना नीचे ना चिपकता है, तो बस इसको ना चलाते रहना चाहिए, वरना नीचे लग जाता है फिर फूक जाता है। तो इसको प्रॉपर बेसन को चलाना है, चलाते चलाते इसमें मैं पानी डाल दूंगी। और पानी डालते ही ना इसको बहुत तेजी स्पीड से चलाने, वरना ना इसमें गुठलियाँ पड़ जाती है। तो मैं इसको प्रॉपर चला रही थी, और बस इसमें डाल दूंगी मैं मीठा, और बस हलवा जो है वो बेसन का बन करके तैयार है। गोपाल जी को भी भोग लगा दूंगी, मांटू खा लेगी और ये खा लेंगे थोड़ा बहुत। बहुत जल्दी से बन जाता है, नई गैस थी, उद्घाटन करना था, तो मैंने सोचा चलो भाई सबसे पहले मीठा ही हो जाता है और सबसे पहले भोग गोपाल जी का ही बनाते हैं। तो हलवा बन करके हो गया है तैयार। मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा कसा हुआ गोला, और बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ देख करके। और मतलब ऐसे एकदम से सरप्राइज मिल गया ना, होता है कभी कभी हम इमोशनल भी हो जाते हैं। तो बस मैंने गोपाल जी को लगा दिया है यहाँ पर भोग, जोत जला दी है, और अभी मुझे बहुत सारे काम हैं जो करने हैं, झटपट झटपट से कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये सारा जो डब्बे वब्बे हैं वो सब हटा के रख देती हूँ मैं यहाँ से, और फिर मैं झाड़ू वाड़ू जो भी काम मेरा बाकी है वो कर लूँगी। और ये कपड़े हैं जो धुले थे, सारे कपड़े एक जगह रख दूँ, क्योंकि मुझे कपड़ों की भी तह करनी है। और मतलब मेरे साथ में ना ये सब चीज़ें करते हुए खुशी खुशी के उसमें ऐसा वो हो गया है, जब मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों को ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मेरे साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और इसी वजह से आज मेरी वीडियो भी लेट हो गई है। तो जैसे तैसे करके मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो बस गोपाल जी को लगा दिया था, इन्होंने भी ले लिया। बाहर कुछ कपड़े बचे हुए थे जो गीले थे, तो वो मैंने डाल दिए थे, वो भी सूख गए हैं, तो कपड़े उतार लूँगी। और मुझे ना अपने सर की मालिश करनी है, तेल लगाना है सर में, तो तेल की मालिश भी कर लेंगे। सारे कपड़े उतार के मैं यहाँ पर बेड पर रख दूँगी, क्योंकि सारे कपड़ों को तह लगाना है। और देखिए ऐसे अपने हाथों से हो तो पाती नहीं है अच्छे से मसाज, कोई हो करने वाला, बट जब कोई अकेला होता है तो अकेले को ही करनी पड़ती है, वरना अगर कोई मसाज कर देना आपकी सर की तो बस क्या बात है। और बस मैं फिर ना अपना हेयर वॉश कर लूँगी। आज ना तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है,
मतलब इतना अच्छा खासा मूड है, सब चीज़ें इतनी अच्छी है, बट आज तबीयत ठीक नहीं है, आज थोड़ी तबीयत ख़राब है। और तबीयत ख़राब में आज मेकअप आपको ना थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैंने किया है, थोड़ा सा ना आज मैंने अपना लिप शेड जो है ना वो चेंज किया है, थोड़ा लगाती हूँ ना मैं, कई बार आप लोगों ने देखा भी है मैं लगाती हूँ रेड कलर का, ये मुझे अच्छा लगता है। बहुत टाइम से है ये मेरे पास ना लिपस्टिक नहीं है, ख़त्म हो गई है, लानी है। काजल नहीं है, वो भी ख़त्म हो गई है, वो भी लेकर के आनी है। और अभी मेरा मन पता नहीं क्या कर रहा है, मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं चादर लेके ना सो जाऊँ आराम से। बुखार सा भी लग रहा है मुझे, जुखाम उखाम खांसी थकावट है क्या है, कोई ना मुझे ये बोल दे प्रिया तू ना एक दिन का पूरा रेस्ट ले, जब तक तेरा मन करे तू सो जा, उठ ये मत बिल्कुल भी। तो मैं कितना सोऊँ ना मुझे खुद को अंदाज़ा नहीं है, इतनी ज़्यादा थकावट शरीर में है, मतलब नींद पूरी नहीं होती है। नींद ना होने की वजह से ना तबीयत ख़राब, डाउन। वैसे आज फीवर है मुझे, अब तो फिलहाल तो फीवर लग रहा है, पूरा शरीर में से ना आग सी निकल रही है, तो 101% फीवर है, पैरों में भी दर्द है। बट हम खुशी का दिन है, अच्छा दिन है, मूड ऑफ नहीं करेंगे। अभी करनी है कपड़ों की तह, मुझे कपड़ों की तह लगानी है फिलहाल। और क्या करना है, कैसा लग रहा है वैसे, अच्छा लग रहा है ना, बड़ी बिंदी, बस सिंदूर और होता ना, सिंदूर लगा लो ना अगर सिक सुक्का तो लाल लाल हो जाएगा, लाल लिपस्टिक, लाल बिंदी और लाल ही सिंदूर है ना। और ये वाली कुर्ती ना मुझे मेरी बहुत अच्छी लगती है, सच में बहुत प्यारी लगती है, बस पूछिए मत, मतलब कितना इसका कलर डिज़ाइन सब कुछ मुझे इसका बहुत प्यारा लगता है। तो चलिए अभी थोड़ी सी बातें हो गई हैं, आप लोगों से बातें नहीं हो पाई थी, अच्छा नहीं लग रहा था, तो बातें हो गई, थोड़ा सा वो हुआ है, कपड़ों वपड़ों की तह लगानी है, मांटू का कोट जर्सी उठा है, थोड़ी देर लेट जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। एक बार हाथ मेरी नस पे नस चढ़ के दिखा कमरे ऊपर 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 को ऊपर को, तबीयत खराब होगी, इतना खुशी का दिन था, इतना खुशी भरा माहौल था, और थोड़ी सी जो है बेटा मैं टॉफी निकालती हूँ। आप क्या क्या ले आए मांटू, कितने पैसे लेकर गए थे बाबू? पापा जी 50 रुपये दिए थे, 15 रुपये खर्च किया। अच्छी बात है नहीं बेटा, है ना। तो गाइस अभी जो है वो वक्त आ गया है इस वीडियो को यहीं पर एंड करने का, क्यों चौधरी साहब जी? और मेरा पूरा घर फैला पड़ा है, हिम्मत ये नहीं हो रही कि मैं ना कहीं को संगवा दूं, बुरा हाल हो रहा है और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, दवाई ली है बट आराम नहीं। आपको कुछ बात करनी थी शायद? हाँ जी, बेटे साहब आज कम करना, तुरंत बात करेंगे पापा। हाँ जी लो 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 जी लो। अच्छा 14 फरवरी को तो लोग मतलब बहुत सारे कारणों से सेलिब्रेट करते हैं, कोई वैलेंटाइन डे बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कल किसी की एनिवर्सरी है, इवन हमारा भी एनिवर्सरी है ना, किसकी? ज्योति का एनिवर्सरी है। हाँ जी हमारी दीदी की एनिवर्सरी है, हमारी ननद की, उनकी ननद तो मेरी सिस्टर की। कल हैप्पी एनिवर्सरी ज्योति जी, ज्योति और अंकित को, दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी, आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। और दूसरा जो है, क्योंकि सभी तो वैलेंटाइन डे में बिजी हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कल के दिन 14 फरवरी को ये जो हमें आज़ादी मिली है, इसके 3 बहुत बड़े मतलब जो हैं धारा के, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोगों को लाहौर में 14 फरवरी 1931 में फांसी दी गई थी। 14 फरवरी को फांसी दी गई थी इन तीनों लोगों को, हम उनको बहुत बहुत नमन करते हैं कि उनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। हम नहीं, हमारा नियर बाई जो कंट्री पाकिस्तान और बांग्लादेश, आज जो भी उनके पास है जितनी भी आज़ादी है, उस तीनों में इन सबका बहुत अहम रोल है, क्योंकि ये फांसी चढ़े बहुत कम उम्र में और पूरी दुनिया को मतलब इन 3 देशों को आज आज़ादी मिली है, तो इनकी वजह से मिली, तो उनके परिवारों को, उनको उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, और उनके परिवार के साथ हम पूरा सॉलिडेरिटी के साथ खड़े, और पूरा देश उनको बहुत प्यार करता है आज भी, बेशक हमने उनको नहीं देखा है, लेकिन उनका एहसान के वो आज़ादी दिला के गए। बाबा जी ने देखे ना वे, हमारे बाबा जी ने तो देखे, मेरी माँ जी बताया करे थी ना, गांधी जी का जब वो था ना तो माँ बताया करे थी, हमारे तो फैमिली के लोग मतलब स्वतंत्रता से भी जुड़े रहे, और मेरी माँ थी ना मेरी, मतलब माँ जी
तो वो बताया करती थी वो, मतलब बाबा हमारे जब वो दंगे वो हुए थे आजादी का जब वो हुआ था तो तब हमारे बाबा जी जिंदा थे। और आज भी हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सुनते हैं तो मतलब एकदम से सा फील आता है, काश हम उनसे मिल पाते क्योंकि उन्होंने इतना कुछ डेडिकेटेड किया हमारे लिए। उनकी भूमिका को ये समाज कभी भी नहीं भूल सकता, जो भूलता है वो गलत करता है। इसलिए वैलेंटाइन डे किसी को विश करने से पहले उनको जरूर याद कीजिएगा जी, साथ साथ वैलेंटाइन डे भी आप इंजॉय कर सकते हैं जी। अपने वैलेंटाइन डे के साथ, वैलेंटाइन के साथ वैलेंटाइन डे जैसे हमारा वैलेंटाइन वैलेंटाइन डे हस्बैंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं होता है, ये प्यार का दिन है। प्यार माँ बाप के साथ भी होता है, भाई बहन में भी होता है और सब के साथ में। तो अपनी माँ बाप के साथ भी वैलेंटाइन डे मनाइए और फैमिली के साथ में भी मनाइए। ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, हाँ बेटा सब के साथ में होता है क्योंकि ये प्यार का दिन है वैलेंटाइन डे, ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड या वाइफ। प्लीज रिमेम्बर अवर स्वतंत्रता सेनानी जी, फ्रीडम फाइटर्स। तो खुश हम काफ़ी हैं आज, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। अच्छा लगा हमें हमारा गिफ्ट। और अगर आपको भी, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें ना ये फास्ट डिलीवरी वाला जो था वो बहुत पसंद आया है ना, घर बैठे बैठे चूल्हा आ गया। सरप्राइज इनको अच्छा हाँ, लगा, अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। थैंकफुल टू अमेज़न, अमेज़न ना मतलब ये कोई वो नहीं है, आप लोग कभी सोचो कि ये वो है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मतलब उनकी जो फास्ट डिलीवरी है जैसे ये बता रहे हैं वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छी चीज़ मैं हमेशा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो अगर आप भी ना कुछ मतलब अगर आप ये चूल्हा खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी इनके फ़ोन में से निकाल निकाल के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी आप, मैं पिन कर दूंगी उसको। तो आप वहां से जा कर के अगर कोई भी खरीदना चाहता है तो वहां जाइए, क्लिक कीजिए चूल्हा घर, बस ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आप लोगों से एक अच्छे से वीडियो के साथ में। जैसे कि मैंने बोला था बहुत सारे सरप्राइज है, बहुत सारे सरप्राइज है, बैक टू बैक वाला भी चल रहा है और भी चल बहुत रहा है। सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ना बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा। तो एनिवर्सरी गिफ्ट हमको इतना लेट मिला है बट कोई नहीं, बहुत स्पेशल है। तो चलिए गाइस अब इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। गिफ्ट के लिए एक लाइक तो बनता है, मेरे लिए नहीं तो इनके लिए। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय।